एवरीवन, यहाँ पर दूल्हा हो रहा है रेडी और वो हो रही है पहरानवी, यानी कि दूल्हे को जो रेडी करके उसे तैयार किया जाता है वो यहाँ पर हो रही है दूल्हे के साथ। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरी बहू आने वाली है। ऑलरेडी एक बहू थी लेकिन सास ससुर वगैरह कोई नहीं है, और खुशी इस बात की भी है कि मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ जो दूल्हा है, आप लोगों को पता है कि वो पड़ाके की रेडी यानी कि ठेले जिसे बोलते हैं वो लगाता है। पैसे तो इनकम अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि छोटी ये चीज़ों में इनकम अच्छी नहीं होती, इनकम भी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है, क्योंकि पड़ाके तो हर कोई खाता है। और अगर जब पड़ाके हम लोग खाते हैं तो कम से कम 20 रुपये से कम के तो खाते ही नहीं है, तो दिन भर में कम से कम 600-700 रुपये की अर्निंग अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर ये जो इसकी बहन है, ये जो ब्लू साड़ी पहनी है, इसकी बड़ी बहन है, और ये इनके बुआ का लड़का है जो इसको कपड़े पहना रहा है। साथ ही साथ अभी लॉकडाउन में जिस जिसकी शादी हुई है, काफ़ी पैसों की बचत हुई है और वेस्टेज की काफ़ी बचत हुई है, यानी वेस्ट काफ़ी कम हुआ है। और यहाँ पर देखिए वो कोट पहन रहा है, गर्मी काफ़ी ज़ोर से थी, वैसे बारिश हो रही थी लेकिन इसके शादी वाले दिन बारिश नहीं हुई, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, मतलब वैसे बारिश हो रही थी वैसे बारिश नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो कंगन होता है उस पर हैंकी या कुछ बांध दिया जाता है, मतलब खुला नहीं छोड़ा जाता, बुरा रहता, नज़र लग जाती है इस तरीके से, काफ़ी मान्यताएँ होती हैं इसके पीछे भी। और यहाँ पर जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई है उन्हीं का ये बेटे हैं, जो कि ऑलरेडी मतलब जिनके कंगन पे जो हैंकी बांध रहे हैं वो। और यहाँ पर ये बहन जो खड़ी है ब्लू कलर की साड़ी में, उसकी ये बेटी है जो जस्ट बगल में खड़ी हुई है। और यहाँ पर वो पटले पे बिठा दिया है, पटले पे बिठाने के बाद यहाँ पर उसके जो महावर है और जो हल्दी वगैरह का काम होता है वो किया जाता है। और यहाँ पर दूल्हे के और मेहंदी भी दूल्हे की मतलब ताई की बेटी ने लगाई थी, जिससे बहुत अच्छा लुक आया था, क्योंकि उनका पार्लर भी है, काफ़ी अच्छी मेहंदी वो लगा भी लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पर वो मेहंदी लगा ले रही हैं, और इसके बाद वो यहाँ पर जो भी लोग खड़े हैं उनको साथ साथ फ़ोटो भी खिंचाए जाएंगे। अभी यहाँ पर तब तक ये ताई बैठी हुई है, इनकी जो कुर्सी पर है वो ताई हैं। और ये जो पेड़ होता है केले, पता नहीं केले का होता है कुछ होता है, उसको यहीं पर गाड़ दिया जाता है। और ये जो इसे माड़ा बोलते हैं शायद, और यहाँ पर जो मटकी है इसमें हल्दी का पानी होता है, और इसमें हल्दी की कुछ रस्में जो काम की जाती हैं वो होती हैं। और यहाँ पर सभी लोग खड़े होकर बात इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और इस तरीके से तो कर रहे हैं वो यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। ये तो गर्मी में गई है, बादल भी तो नहीं हो रहा, कल बारिश हुई है। यहाँ पर रेडी हो चुके हैं दूल्हा जी यानी दूल्हे मियाँ, और यहाँ पर उसके सेहरा लगा दिया गया है। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी था, जिन्होंने वो पूरी वीडियो देखी होगी, तो मैं बता दे रही हूँ इनके पापा नहीं है, तो ये जो है वो जीजा जी हैं जो भी खड़े हैं शर्ट पहनकर। और यहाँ पर ये इनकी बहन है,
इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पहनाए जा रहे हैं माला, और ये बड़े वाले भैया की ही है, और ये सहरा भी बड़े वाले भैया का है, क्योंकि दो दो जगह क्या ख़रीदना, और एक ही मैं हो गया था काम, और ये कल की शायद न्यू आती है, तो वो न्यू आ गई थी, और बाकी सारा काम पुराने से ही हो गया था। और यहाँ पर कैमरा दिया जा रहा है फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र को नहीं बुलाया गया था इस तरीके से, तो यहाँ पर वही दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ये इसके जीजाजी हैं, और ये जीजाजी किसान हैं, यानी फार्मर हैं, तो बहुत मेहनत होती है फार्मर के किसान की, तो हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। धूप में दिन रात किस तरीके से खेतों में रहते हैं, खेतों में खाते हैं, वहीं खाद लगाते हैं, यानी कि हम लोग जिस चीज़ से गोबर को मतलब गलत और बदबूदार समझते हैं, उन्हीं के बीच में ये लोग रहते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर सब कुछ करते हैं पेड़ के नीचे बैठ के। और यहाँ पर मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो बुआ जी मतलब कि जो लड़के की बुआ जी है, वो कह रही हैं ऐसे ऐसे मेरा भी एक फ़ोटो खींच दे। फ़ोटो मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूँगी किसी दिन, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ कि ये फ़ोटो खींचे जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं इसका दूल्हे का, और जो दुल्हन में बांधा जाता है फेरे के टाइम, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा इसको, कुछ बोलते हैं, आपको याद आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर वही लगाया जा रहा है, तो फेटा उनके लग चुका है, दूल्हे का फेटा लग चुका है, बस यही रह गया है। इससे जो दुल्हन की लहंगा होता है, दुल्हन की दुपट्टा होता है, वो बांधा जाता है, जिससे फेरे वगैरह जो होते हैं ना, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर वो भैया कह रहे हैं इस तरह से नहीं बांधते, ऊपर से बांधो ऊपर से, तो ऊपर से ही बांध रहे हैं यहाँ पर, मतलब इस तरह से बता रहे हैं कि एक दूसरे को, क्योंकि पता नहीं था किसी को किस तरह से करते हैं, तो ऊपर से बांधने की बोला जा रहा है। मैंने कहा ठीक है इस तरह से बांधो, अभी देखें यहाँ बांध दिया है, उसके बाद ऊपर से बांधा जाएगा, क्योंकि फेरे वगैरह फिर लेने में प्रॉब्लम होती है। तो अभी एक तरह ये छोटा भी था, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, तो ये थोड़ा छोटा सा था, अब देखिए बांधा जाएगा यहाँ पर इस तरीके से बांध देंगे। वैसे कुछ लोग कमर में बांधते हैं, कुछ लोग कहीं बांधते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से ये इस तरह से बांध दिया जाएगा। और ये जो है इनके बुआ के बेटे हैं, कई मतलब ज़्यादा रिलेशन वाले नहीं आए थे, अब पिछली बार कमेंट आया था कि मास्क वगैरह नहीं लगाए, तो अभी नहीं लगाए हैं, गर्मी हो रही थी, और अभी जब जाएंगे तो मास्क लगाकर जाएंगे। और ये लोग अपने ही मतलब कि अपनी कार वगैरह से जा रहे हैं, और वैसे मैं बोलूँगी, और हाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, तो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि शादी थी, तो इसी के कारण से। तो यहाँ पर वही है, तो यहाँ पर ये भाभी हैं, और अभी अब जाएंगे तो मास्क लगाकर ही जाएंगे। और ये अब जो आए थे, फिर नहाए, मैं आपको बताती हूँ, अब ये आए थे और तैयार हो रहे थे, तो नहाए थे नहाने के बाद, और नहाने के बाद सब ने ना अपने अपने मास्क बैग में रख लिए थे जो भी थे, और कुछ लोग दुपट्टे से बांधे थे, कुछ लोग मास्क लगाए थे। आपको सच सच बोलूँ तो सभी लोग मास्क नहीं लगाए थे। ये जो भैया वाइट कलर के इधर साइड पहने, इनके गले में जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा इधर कॉर्नर में है एकदम, तो इन्होंने तो अपना मास्क गले में ही डाला हुआ था, बाकी सब ने अपना कोई, किसी ने हैंकी से मुंह ढका हुआ था, और किसी ने अपना मास्क यूज़ किया था। तो जब अभी जाएंगे तब लगा, तभी लगाएंगे, अभी तो नहीं लगा रहे, अभी यहीं पर हैं इसी के कारण से। और तो यहाँ पर देखिए काजल वगैरह लगा लिया है, मैं मानती हूँ ये चीज़ गलत है, मैंने बोला भी था, तो सब लोग कह रहे थे कि हम जाएंगे तो लगा लेंगे, हम जाएंगे तो लगा लेंगे, मैंने कहा ठीक है लगा लेना। और सब लोग आकर नहाए थे, और नहाने के बाद थोड़ी सी फिर गर्मी होती है मास्क लगाने पर, तो इसी के कारण से वो कह रहे थे कि अभी हम जाएंगे तो लगाएंगे। तो यहाँ पर सभी लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, और यहाँ पर ये हैं भाभी, ये बड़ी वाली भाभी, जैसे मैंने उस दिन दिखाया था आपको। और एक दिन कमेंट आया था कि ये तम्बाकू खाती हैं, तो मुझे नहीं पता खाती हैं या नहीं खाती हैं, क्योंकि मैं तो ससुराल में रहती हूँ, तो मुझे, मैं तो कभी कभी जाती हूँ, तो भाई मैं किसी को नहीं देखती कौन क्या खा रहा है कौन क्या पी रहा है, इतना पर्सनली देखिए मैं किसी के घर में मतलब नहीं घुसती। तो यहाँ पर दूल्हे मियाँ सबको पैसे बाँट रहे हैं, बड़ा खुश है, आज उनकी दुल्हन आ रही है तो बड़ा ही ज़्यादा ही खुश है। तो यहाँ पर देखिए सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मैं भी यहाँ पर ही हूँ, मैं भी नहाकर आई थी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, मैं तो सबसे अलग ही हूँ, बाकी सब किसी में घुस जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सबसे अलग थी, मैं तो सिर्फ फ़ोटो खींच रही थी, और फ़ोटो खींच के मैं तो घर चली गई थी, मैं तो कहीं गई भी नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और घर पर मास्क नहीं पहनता कोई भी, मैं तो नहीं पहनती, घर पर मास्क कौन पहनता है, तो ऐसा ही है, सब लोग नहाकर आए थे ना, तो इसके कारण से फिर उन लोगों ने उतार दिया। मैंने बोला भी था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला, मास्क वगैरह लगा लो, तो बोले थे अब जाएंगे तब लगा लेंगे,
रहेंगे भी घर पर ही तो है। तो मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी, क्योंकि देखिए जान सबको प्यारी होती है, सबकी जान है, सबका कुछ है। और तो यही बोल रहा था कि ना इन लोगों के चक्कर में ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो आपको जिन्होंने ये बात बोली थी तो मैं उनसे इतना बोल दूँ, गांव में इतने केसेस नहीं है, ठीक है, शहरों में ज़्यादा है, गांव में नहीं है केसेस। तो गांव की बात मत करो, गांव में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग शुद्ध चीज़ें खाते हैं, गांव के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध खाते हैं, तो उनको इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उनको बीमारियां कम लगती हैं। और सिटी में बहुत ज़्यादा, तो सिटी में मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर जो है मास्क यूज़ नहीं करना चाहिए, यहाँ पर डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोल रही, लेकिन इस तरह से कंपेयर मत करो कि ये लोग ही फैलाते हैं। तो मैं बता दूँ ये लोग नहीं फैलाते, जो सिटियों में हुआ है ना, सिटी में जो सिटी में हुआ है वो सिटी, आप सिटी वालों से पूछो कैसे हुआ है, जो लोग फॉरेन से घूम कर आए हैं उनसे सिटी में फैला है, जो लोग बाहर घूम घूम कर आए हैं उनसे सिटी में फैला है, ना कि गांव वालों से सिटियों में फैला है, ना कि और गांव में अधिकतर अभी तक गांव में ज़्यादा नहीं है, आपको कोई भी गांव में केसेस दिखेंगे बहुत ही कम दिखेंगे, बहुत कम, ये नहीं कहूँगी एक आध नहीं है, एक आध या दो चार बस इतने ही दिखेंगे, वो भी सही हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि गांव का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एकदम शुद्ध होता है, शुद्ध सब्जी, शुद्ध दूध, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, सब कुछ जो होता है वो सब शुद्ध होता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है, जिससे हमें बीमारी बहुत कम लगती है। आपने देखा होगा गांव वालों को जल्दी जल्दी बुखार, जुकाम, सर्दी ये सब नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और वो इन चीज़ों में रहते हैं, तो वो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते। और तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा मत बोलो कि किसी को बुरा लग जाए कि इन लोगों के चक्कर में, इन लोगों के चक्कर में कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसा ही है। तो यहाँ पर ये देखिए फ़ोटो वोटो खींच रहा है, यहाँ पर पैसे वैसे दिए जा रहे हैं, यहाँ पर बहन की बेटी है, ये बहन की बहन, बहन के बच्चे। सो गाइस यहाँ पर मैं, यहाँ पर सभी लोग टीका वगैरह करा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह होंगे, और तो फिर यहाँ पर सब लोग जाएंगे तो कार से, लेकिन थोड़ा सा गली के बाहर तो जाएंगे, गली के बाहर जाके फिर अपना मास्क वगैरह यूज़ करेंगे और फिर मुंह बंद करके तभी जाएंगे, क्योंकि अलाउ भी नहीं है ना यहाँ पर पुलिस वगैरह, तो देखिए आप लोगों को पता है हर जगह खड़ी हुई है, यही बड़ा भैया है, उसकी वाइफ वो वहाँ पर थी, वो है बड़े भैया की, तो मैं आपको बता रही हूँ यही चीज़, यहाँ पर फ़ोटो वोटो खींच रही है, ये है वाइफ, वो थे हस्बैंड इनके, और यहाँ पर बहुत सुंदर लग रही थी इनकी वाइफ, फिर यहाँ पर ये बहन वगैरह है जो आरती वगैरह हो रही है इनकी, और इसके बाद यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं सभी लोगों को जो मान के होते हैं नौछावर में, जो दिए जाते हैं वो सारे पैसे दिए जा रहे हैं, बुआ को, बहन को, सारा काम जो था भाभी ने ही किया हुआ था और किसी ने नहीं किया था, यहाँ पर बहन बहन के बच्चों को वोट पैसे वगैरह ये जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ यार, इतना गंदा किसी के लिए मत बोलो कि इन लोगों की ऐसे कोरोना फैला, इन लोगों की वैसे नहीं फैला, गांव में अभी भी बहुत कम है, अकॉर्डिंग टू सिटी के अकॉर्डिंग गांव में बहुत ज़्यादा ही कम है, अगर कंपेयर करें ना तो बहुत कम है, लेकिन सिटी में बहुत ज़्यादा है। और ये बात आप भी जानते हो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मानते नहीं हैं लोग। मैं ये नहीं कह रही कि इन लोगों को मास्क नहीं लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, सब करें, लेकिन इस तरह से मत बोलो कि गांव में ज़्यादा ऐसा नहीं है। और यहाँ पर भी हम लोग हैं भगवान की कृपा से भी बहुत कम केसेस हैं और जो भी हैं वो सही हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है गांव में सारी शुद्ध शुद्ध चीज़ें होती हैं, इम्यून सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रांग रहता है, गांव में लोग मठा और दूध पीते हैं, चाय बहुत कम पीते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यही एंड करूँगी, कल का दिखाऊँगी निक्रोसी का, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए बाय।